की जनरेशन खत्म हो चुकी जी, थर्ड वेव आ गई। अमरीके का प्रेसिडेंट सर नहीं रोए, इटली के प्रेसिडेंट नहीं रोए, फिर साड़ी इंडिया के प्रेसिडेंट नु रोन दी की लोड़ पई सीगी। बदनामी हो रही है साड़ी इंडिया दी। किसान अन्नदाता ये देखो हमेशा रोटी दिंदा सानू, वो आने देखदे कि गर्मी है कि धुप है कि ठंड है। एक साल तो ज्यादा वो चलिया कानून बनाया नु, उदो नहीं मोदी सरकार नु दिखिया सीगा कि कानून बना रहे हैं कि कोरोना चल रहा है। वीर सानू तो दुख लगता है, सानू तो उदो रोना आ जाता है यार, साड़ी दिल्ली च किसान वीरां दा छत उड़ गया हो गया। मैं देखो वीर हुण देखो इत्थे जदों असीं खड़ीदे असीं ना ही कोई अलट पलटी नारा लगाई दे ना ही गलत नारे लगी दे। जे तुसीं जी रहे हो साड़ी किसानां करके जी रहे हो, जे रोटी नहीं हुंदी तां तुसीं जी ना पाते। श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जन स्पोक्समैन टीवी, मैं हाँ तुहाडे नाल जगसीर सिंह। 6 महीने पंजाब दे विच अंदोलन हो जाते हैं, 6 महीने दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते, कुल 1 साल हो जाता है, पर हजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस अंदोलन नूं, जिहड़े काले बिल ने हजे तक रद्द नहीं हुए। 10-11 दीआं लाइटां दे उत्ते मौजूद हां, तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां दे विच, इत्थे रोज़ ही आपदे टाइम दे विचों टाइम कढ के किसानां वल्लों इत्थे चंडीगढ़ जां मोहाली दे रहिण वाले वासियां वल्लों रोज़ प्रोटेस्ट कीता शाम नूं। सो एक मुंडा बहुत मशहूर है अभिजोत, अक्सर वो किसानी के मुद्दे नूं लैके बोलता रहिंदा, गल करता रहिंदा, हर एक नूं दसदा रहिंदा भी ये चीज़ की है, क्योंकि बच्चों अक्सर इन्ना पता नहीं हुंदा भी असी की चीज़ करनी है, पर खेड दे वल ज़्यादा ध्यान हुंदा। उम्र इन्हां दी 10 साल की है मैज। अभिजोत किन्ना हौसला है, हौसला आया कित्थों तुहाडे च? वीर जी देखो पहला देखो हौसला तो सानू किसान अपने आप ही आया। देखो देखो जिहड़े किसान आ, किसान अन्नदाता ये देखो हमेशा रोटी दिंदा सानू, वो आने देखदे कि गर्मी है कि धुप है कि ठंड आ, हमेशा ही अपने 24 घंटे काम करदा है, ते सरकार इहदे हक हो रही है, फिर सानू दुख लगदा है कि उहदे हक हो रही है। देखो वो देखो असी तो इसी बैठे होंगे लोग, अज भी असी इसी चो आ रहे हैं, लेकिन जोड़े किसान होंगे 12 महीने 24 घंटे वो तो इसी से भी नहीं बैठता, ना ही हीटर देखता, वो तो बस आ सोचता कि मैं किसी ना किसी तरीके अनाज पैदा करके लोगों को पहुँचावा। तो फिर मैं लग्या क्योंकि मैं किसान का जीवन खुद देखिए, जिमें कि मेरे नाना जी किसान है, उन्होंने जीवन में अखा नाल देखिए कि कभी वह रात के 12 बजे उन्होंने जाना पैंता पैलियाँ, कभी रात 1 बजे। तो फिर इस कारण मैं हौसला आया कि मैं लड़ना चाहिए किसानों के नाल, खड़ना चाहिए, किसान आप ठीक कर रहे हैं, ये सरकार इन्हों के हक हो रही है, ये सरकार काम गलत कर रही है। घर दे नहीं लड़ते भी अभिजोत कोई एवं कुछ कह देगा, तुसी इन्नी आवाज ना चक्या करो किसानों की? वो कहते हैं कि बोलो लेकिन गलत ना बोलो। देखो वीर जे गलत बोलांगे तो देखो थोड़े चैनल पर भी डिसलाइक्स आने हैं, देखो सानू भी फील होंगे कि यार मेरी वीडियो है इन्होंने चैनल है, उन्होंने बेचारे ने इन्नी मुश्किल आके इंटरव्यू लीती तो उन्होंने डिसलाइक्स आ रहे, लोग अलट पलटियाँ बोल रहे। वो कहते कि चंगा बोलो। मैं देखो वीर हूँ देखो इतने जो असी खड़ीदा असी ना ही कोई अलट पलटी नारा लगाई दे ना ही गलत नारे लगी दे, ठीक है। हूँ देखो जिमें कि मोदी सरकार जी मान ही नहीं रहे, असी सिक्का भी दिता किसानों ने कि गल करो, लेकिन वो नहीं मान रहे। चलो कोई गल नहीं, असी शांतपूर्वक तरीके अंदोलन कर रहे हैं, बस सानू एक दो ही मंगा साड़ियाँ, तीनों कानून रद्द कर दो, MSP कानून बना दो। PM मोदी साहब भावुक हो जाते हैं लाइव होके भी, मैनू बहुत दर्द है भी अज कोरोना महामारी नाल काफ़ियां दी जाना जा चुकियां ने, कि उन्हां दे हंजुआं नाल किवें देखदे हो तुसीं? वीरे देखो पहले ही गल मैं जिम्मे कि थोड़ा पिछली इंटरव्यू भी दी है थोड़े चैनल से, मैं कि असी अमरीके का प्रेसिडेंट सर नहीं रोए, इटली के प्रेसिडेंट नहीं रोए, फिर साड़ी इंडिया के प्रेसिडेंट नूं रोण दी की लोड़ पई सीगी। बदनामी हो रही है साड़ी इंडिया की, पूरे वर्ल्ड च कह रहे लोग कि ये देखो हुण जो कैद सर जी रोए सीगे उदो अद्धी दुनिया सुती नहीं सी, जो मोदी सरकार जी रोए उदो लोगों ने धज्जियां ही उड़ाइया। मैं दसा वीरे देखो बस ही कहना है, देखो ये 5 जून 1 साल तो ज़्यादा वो चलिया कानून बनाया नू, उदो नहीं मोदी सरकार नू दिखिया सीगा कि कानून बना रहे हैं कि कोरोना चल रहा है। कानून उदो बनाए जाते जो तो कोई एमरजेंसी होंगी है, लेकिन एक कानून तो इन्होंने 5 जून 2020 बनाए, उदो इन्होंने देखना चाहिए सीगा, हालांकि अज रोन तो बचाए, उदो इन्होंने दसा की करना चाहिए सी कानून बनाने तो बचाए, इन्होंने दसा कि ऑक्सीजन वेंटीलेटर ज़्यादा तो ज़्यादा खरीद लेने चाहिए थे, ये साड़ी सरकार की गलती है। हुण देखो थर्ड वेव भी आने वाली है, असीं चाहते नहीं कि ना आए, लेकिन आ भी सकती है, थर्ड वेव तो मसा कंट्रोल हो रही है, लेकिन देखो साड़ी इंडिया के कोल ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं है,
थर्ड वेव बच्चे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। असं आ नहीं चाहते कि बच्चों को कुछ होए, असं आई गल दस करते हैं सारे लोग कि थर्ड वेव ना आए, क्योंकि बच्चे लोग एक जनरेशन खत्म हो जूगी जी थर्ड वेव आ गई, पूरी जनरेशन खत्म हो जूगी, बच्चे नहीं रहेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं कि सरकार को कंट्रोल करने चाहिए हालात। किस तरह लगता है हुण फिर कहते भी तोमर साहब कह रहे हैं मीटिंग कर लेने, पर तुम्हें लगता है भी मीटिंग करके कोई हिला निकल आएगा, क्योंकि पहले बेसिट्टा मीटिंगा सी जिन्नी मीटिंगा होंदियां सी वीरे, ये तो कहते 11 मीटिंगा हुई हैं, साढ़े वालों 11 मीटिंगा नहीं हुई, साढ़े वालों 10 मीटिंगा हुई, क्योंकि एक मीटिंग से तो उन्होंने 10 मिनट वो तो 10-20 मिनट की गल की है, लेकिन चलो शुक्र इन्ना उन्होंने कर लीती, असं आ नहीं कहते कि नहीं की, वो ठीक काम कर रहे हैं, बस उन्होंने एक काम गलत कर रहे कि जो किसान बेचारा अंदर गल कर तैयार आ, तो फिर तुम बिल रद्द कर दो। थोनों की है जे तुम जी रहे हो साढ़े किसाना करके जी रहे हो, जे रोटी नहीं होती तो तुम जी ना पाते, बस तुम बिल रद्द कर लो, सानू होर कुछ नहीं चाहिए। बस देखो तोमर सर जी कह रहे मीटिंग करो, लेकिन तुम आप भी तो कहो ना कि असी वो लिख के देने कि असं इदा करा कि असं जो इदा तो असं इदा करके देवे, इदा करके देवे, नहीं तो असं बिल रद्द करा, वो कुछ लिख के नहीं दे रहे सरकार सानू। हम जिमें कि देखो आप दिल्ली के बॉर्डर से जाइए, 12 किलोमीटर तक इकट्ठ लगा हुआ है, देखो सारा कुछ इन्ना ज़्यादा हो रहा है सिर्फ किसाना करके, किसी लेकिन अंदोलन का नाम किसान अंदोलन नहीं है, ये अंदोलन सारे मुल्क का हो चुलिया हो चुके हैं। देखो हूँ जिमें कि सपोज करो किसान तो ही लेंदे है 5 रुपए किलो प्याज, इतने आके हूँ विक रहे 30 रुपए किलो, हूँ जिमें कि 30 रुपए किलो सेव लीते है ना, वो हूँ विक रहे 200 तो 200 तो 12 विक रहे इतने एट टाइम, बाकी हूँ पता नहीं जे सरकार कहती है कि मीटिंग करो, इस तरह ही कहने अरदासा भी करते हैं कि हल निकल जाए तो ज़्यादा वधिया, होर कुछ नहीं है सानू। किस तरह लगता है हुण मीह नेरियां भी आउंदे ने, टेंट पाड़ जांदे ने, उत्थे किन्ने किसान बैठे हुए ने, गर्मी बड़ी है, अत दी गर्मी पै रही है, उसनू किस तरह तरीके नाल देखदे हो? वीरे सानू तो दुख लगता है, सानू तो उदों रोना आ जांदा कि यार साडी दिल्ली च किसान वीरां दा छत उड गया, हो गया वो हो गया, बारिश किसान वीर देखो वीरे 203वां दिन है, 203rd डे टूडे, तो देखो हूँ देखो असं कह रहे हैं देखो 500 तो ज़्यादा शहीद हो गए बेचारे किसान, उन्होंने इन्हों फिक्र ही नहीं है सरकार को, यार तुम कुछ तो करो, दे आर ऑलसो द सिटीजनस ऑफ इंडिया, दे आर नॉट द सिटीजनस ऑफ अदर वर्ल्ड, वो भी सिटीजन है ही इंडिया के, तुम उन्होंने भी तो देखो ना कुछ, जे वो तुम बिल रद्द कर दो, बस असं आई कह रहे हैं मैं बार बार बिल रद्द करो। हूँ देखो गर्मियों के भी चढ़ना 80-80 सालों के लोग, 90 सालों के, देखो सारे एक बार तुम अपने कैमरे नाल कवर भी कर सकते हो कि हले भी बेचारे आगे खड़ रहे हैं किसानों के मंगा नहीं, क्योंकि वो दिल्ली जा नहीं सकते, तो इतने खड़ते किसानों के नाल, बस आही कह रहे कि बिल रद्द कर दो। असी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो 10-11 की लाइटों के उत्ते आए हुए अभिजोत, ये लड़का अक्सर वो किसानी के मुद्दों पर गल करते रहेंगे, दसते रहेंगे, क्योंकि अजकल के बच्चे इन्ना पता नहीं होंदा असी की बोलना की नहीं बोलना, अज इत्थे 10-11 की लाइटों के उत्ते इन्हां दी आवाज़ इन्नी बुलंद की हुई है, इन्होंने किसानों की भी आप दे लई भी इत्थे रोज़ खड़ते हैं। सो तुहाडी की सोचनी है अभिजोत के विचारों नाल, सहमति करते हो? अपने विचार साढ़े नाल जरूर सांझे करो। कैमरे ते सहयोग दे रहे सी पंजाब सिंह, धन्यवाद।